तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार के तू किताब हुआ है साहिबे किताब में हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरक मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर इलामा इकबाल की 82 डेथ एनिवर्सरी की से शुरू करूंगा। आज डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल को हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 82 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उनका फ़लसफा खुदी आज भी जिंदा है। आज का लेक्चर भी मेरा उसी इल्मी और नौजवानों के लिए जो प्रॉब्लम हैं उनसे रेलिवेंट करता है। जैसा कि बहुत सारे नौजवानों ने मेल्स के ज़रिए और अपने मैसेज के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया कि हमें रीडिंग की हुई बुक्स याद क्यों नहीं रहती, आज हम उसी से रिलेटेड अपने कंटेंट्स को सबसे पहले जिक्र करेंगे और कंटेंट्स के बाद हम वन बाय वन उन कंटेंट्स को ब्रीफली और शॉर्टली जो है वो डिस्कस करेंगे। कंटेंट नंबर वन में जो चीज़ शामिल है सबसे पहले वो है मेमोरीज और आइडियाज़, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ शामिल है वो है आपका एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्टडी और स्पेशलाइजेशन, और तीसरी चीज़ है थारो रिसर्च या आप कह लें थारो स्टडी, और नंबर फोर पे है क्रिएट द नॉलेज एंड स्प्रेड द नॉलेज टू अदर्स। ये जो चीज़ें हैं ये आपको नॉलेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी। जो फर्स्ट कंटेंट है उसमें ये है कि मेमोरीज और आइडियाज़। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि जब आप बुक रीडिंग्स करते हैं, बेशक वो नसाब की बुक हो या गैर नसाबी बुक हो, बुक्स रीडिंग को कभी याद नहीं किया जाता, बल्कि बुक्स के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं उनको याद किया जाता है। और उनको याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप बुक के अंदर जो आइडियाज़ दिए गए हैं उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करें। और जब आप अपनी स्टडी की हुई बुक को, मुतालिया की हुई बुक को के अंदर से आइडियाज़ को ढूंढेंगे और फिर उन आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ के अंदर एप्लीमेंट करेंगे, तो आपको जो बुक से नॉलेज मिल रहा है वो कभी नहीं भूलेगा। जैसा कि आपको याद है कि मेमोरीज़ का ताल्लुक उसी तरीके से है कि हम ज़्यादा तौर पे मेमोरीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं, आइडियाज़ के ऊपर फोकस नहीं रखते। जब आप आइडियाज़ को के साथ किसी चीज़ को पढ़ेंगे कि आपकी कोशिश ये होगी कि मैंने इस बुक में से ख़ास आइडियाज़ को लेना है और समझना है, और उसके लिए ज़रूरी है जो कंटेंट्स नंबर टू है कि आपका जो मुतालिया और स्टडी का एरिया है, आपकी एरिया ऑफ स्टडी यानी कि फील्ड क्या है और उस फील्ड के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है। आप उसी से रेलिवेंट जब कोई नॉलेज हासिल करते हो, और वो नॉलेज सबसे पहले डाटा, फिर इंफॉर्मेशन, और फिर वो नॉलेज की फॉर्म में आता है। और डाटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होती है, एक रॉ किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, फिर हम उस डाटा को एक इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन के तौर पर एक वैल्यूएबल फॉर्म में लेकर आते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करती है। जब भी आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और बुक्स की रीडिंग्स करते हैं, मुताला करते हैं किसी बुक के, तो वो बुक्स आपके एरिया से ज़रूर मैच होनी चाहिए और आपकी स्पेशलाइजेशन एरिया से भी वो जो है बुक जो है वो उसका होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप थारो स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं। वो कैसे? जब आप अपने एरिया से रिलेटेड, अपने स्पेशलाइजेशन एरिया से रिलेटेड एक या दो बुक पढ़ते हैं या दो से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको एक महसूस होगा कि उनमें कहाँ पे गैप है, यानी कि एक आथर क्या कह रहा है और दूसरा आथर उसके बारे में, उसी कंसेप्ट के बारे में और उसी आइडियाज़ के बारे में जिस आइडियाज़ पे बुक लिखी गई है उसके बारे में क्या कह रहा है। आप उन दोनों बुक्स को जब पढ़ेंगे और उनमें से आइडिया को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उस आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आपको एक गैप मिलेगा। फिर उस गैप पे काम करते हुए, यानी कि एज ए रिसर्च के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस गैप के ऊपर काम करते हुए फिर एक नॉलेज को क्रिएट करेंगे, और नॉलेज क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है
कि आप अपने मेमोरीज को अच्छा करने के लिए जब भी कोई नॉलेज हासिल करें, कोई भी बुक्स आप मुतालिया के लिए पढ़ते हैं या आप मुतालिया करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर उस बुक में से आइडियाज लें। और फिर क्योंकि बुक्स मुतालिया की हुई बुक्स याद नहीं रहती, बल्कि जो आपने उन बुक्स में से और उस बुक्स में से जो नॉलेज हासिल किया होता है और उसमें से जब आप आइडियाज क्रिएट करते हैं, तो वो आइडियाज आपको ता लाइफ याद भी रहते हैं। और फिर जब आप उनको अपनी डेली लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो बहुत यूजफुल होते हैं और वो देर पा होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं, यानी कि आप मुताला करते हैं किसी भी चीज़ का, अपनी एरिया से रिलेटेड हो या एरिया से आपसे रिलेटेड ना हो, कोशिश करें कि स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एरिया और ख़ास तौर पर स्पेशलाइजेशन एरिया से, जिसमें आप वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, 1-2-3 बुक्स पढ़ें, फिर उन दोनों बुक्स में से या 3 बुक्स में से आइडियाज़ लें और देखें कि गैप कहाँ पर है। फिर आप उस गैप पे काम करें और एक नॉलेज क्रिएट करें, और फिर इस तरीके से आप साथ साथ नॉलेज मैनेजमेंट भी कर रहे होंगे। नॉलेज मैनेजमेंट के जो एलिमेंट हैं, वो आपको, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला एलिमेंट आपके लिए डाटा है, कि आपके लिए डाटा का जो सोर्स है वो बड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए। सेकंड जो है वो इंफॉर्मेशन है, और जब आप किसी डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और जब फिर आप उस इंफॉर्मेशन को किसी ऐसे तरीके से अच्छे अंदाज में और रिसर्च के बेस के ऊपर और ऑथेंटिक बैकग्राउंड के ऊपर, ऑथेंटिकल बैकग्राउंड के ऊपर उसको अप्लाई करते हो, तो वो आपके लिए एक नॉलेज बन जाता है। तो आज की वीडियो का ताल्लुक भी नॉलेज मैनेजमेंट से और हाउ टू रिमेंबर द रीडिंग्स बुक्स, के आप अपनी रीड की हुई बुक्स को, मुताला की हुई बुक्स को कैसे याद कर सकते हैं, उसका सिंपल जो तरीका है वो यही है कि आप मेमोरी की तरफ ना भागें बल्कि आइडियाज की तरफ जाएं। और आप जब भी बुक्स को रीड करें अपने एरिया से, तो आप अपने एरिया से रेलिवेंट जो ऑथर्स हैं और लेटेस्ट जो आपको नॉलेज मिल रहा है, बुक्स हैं, एडिशंस हैं या लेटेस्ट रिसर्च है, उसको पढ़ें और उसके मुतल्लिक जो है आप आइडियाज क्रिएट करें अपने। और फिर उन आइडियाज को, बिजनेस आइडियाज हों या फिर आपके कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज हों, उनको अपनी लाइफ के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। फिर आपको बुक्स याद भी रहेंगी, और ये मैं दोबारा से फिर कह रहा हूँ कि बुक्स कभी याद नहीं रहती, बल्कि आइडिया जो आप जनरेट करते हैं किसी भी बुक से, वो हमेशा याद रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ फिर हम हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।